अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक नया फेसबुक ग्रुप बनाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि मोबाइल पर फेसबुक का एक नया ग्रुप कहाँ से और किस तरह से बनाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल पर एक नया फेसबुक ग्रुप को बना सकते हैं। वैसे तो फेसबुक ग्रुप बनाना काफी आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक का एक नया ग्रुप किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना किसी स्किप किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फेसबुक का ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। और फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टॉप टू राइट पर आपके प्रोफाइल के साथ साथ आपको थ्री डॉट शो हो जाएगी, तो सिंपल साइज थ्री डॉट पे टाइप कर दीजिए। और इस थ्री डॉट पे टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको ग्रुप शो हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर सी मोर पे टाइप कर लीजिए और यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन शो हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इस ग्रुप के ऑप्शन पे टाइप कर लेना है और इस पे टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको प्लस का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो सिंपल से इस प्लस पे टाइप कर लीजिए। और इस प्लस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो जाएगी, एक है क्रिएट अ ग्रुप और दूसरा है क्रिएट अ पोस्ट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ ग्रुप पे, तो क्रिएट अ ग्रुप पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद जो फर्स्ट नंबर है नेम योर ग्रुप, तो यहाँ पर आप लोग अपने ग्रुप का नाम डाल लीजिए। तो कोई भी नाम आप अपने ग्रुप का रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक क्रिएटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे जाइए प्राइवेसी पे, प्राइवेसी पे टाइप कर लीजिए। प्राइवेसी पे टाइप करने के बाद यहाँ पर पब्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। पब्लिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन के बटन पे टाइप कर लीजिए। और डन के बटन पे टाइप करने के बाद नीचे जाइए और क्रिएट ग्रुप पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन चार लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर लेता हूँ। और इनवाइट करने के बाद यहाँ से आप अपने ग्रुप को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एड अकाउंट फोटो, तो यहाँ पर आपको एडिट के बटन पे टाइप कर लेना है। एडिट के बटन पे टाइप करने के बाद यहाँ पर अपलोड फोटो पे टाइप कर लीजिए। अपलोड फोटो पे टाइप करने के बाद आप अपने ग्रुप के कवर में जो भी इमेज लगाना चाहते हैं उस इमेज को सेलेक्ट करें। तो मुझे ये वाला इमेज लगाना है, तो इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर टॉप टू राइट पर आपको सेव का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो सिंपल से सेव के बटन पे टाइप कर लीजिए। अब दोस्तों कुछ ही टाइम में ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो नीचे आ जाइए और नेक्स्ट के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्राइब योर ग्रुप, तो आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस ग्रुप फॉर ओनली टेक्निकल वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी आप अपने ग्रुप के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। और डिस्क्राइब लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद नीचे जाइए और नीचे आने के बाद डन के बटन पे टैप कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेसबुक ग्रुप है वो यहाँ पर बन चुका है। अब दोस्तों अगर आपको किसी को इनवाइट करना है इस ग्रुप के अंदर, तो इनवाइट के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरह से आप लोग अपनी फेसबुक के अंदर एक नए ग्रुप को बना सकते हैं। सो गाइस अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।